नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्थी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 13 सितंबर का करंट अफेयर, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। देखिए यूपीएससी 2021 का जो है 10 अक्टूबर को जो है एग्ज़ाम है, आप लोग को अगर ज्वाइन करना है ये हमारा पेड ग्रुप, ठीक, इसमें टेस्ट सीरीज का भी है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक। हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, टेलीग्राम पे देखिए ओनली करंट अफेयर, इंस्टाग्राम पे स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज टेलीग्राम पर, ठीक, तो ये सारे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री हैं बिल्कुल चैनल, उस पर पेड पीडीएफ की पिक्स भी फ्री में दी जाती हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, एनवायरमेंट में जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पूछे जा सकते हैं, वो हैं ये वाले। देखिए बैटल ऑफ सारागढ़ी, तो ये आपने सुना भी होगा, सारागढ़ी का जो है एक मूवी पीछे बनी थी, ठीक है ना, अक्षय कुमार की, उसी संबंधित है ये, और मतलब मूवी से नहीं संबंधित है, बैटल ऑफ सारागढ़ी पे मूवी बनी थी। दूसरा है यूएस और इंडिया की एक जो है स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप हो रही है, ये क्या चीज़ है। अब KYC VS हो गया है, वी किससे संबंधित है बताइए, और कमेंट करिए बताऊँगा तो मैं भी है ही है। और कंटेनर की शॉर्टेज हो गई है और इससे इम्पैक्ट हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे, कंटेनर जिसके थ्रू जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है ना, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं तो वो उनकी शॉर्टेज हो गई, ठीक। और क्रिप्टो करेंसी कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से न्यूज़ में है, देखेंगे क्या चीज़ है, ठीक। बैटल ऑफ सारागढ़ी, अब ये बैटल जो है 12 सितंबर को इसकी एनिवर्सरी होती है। इस बार 124th एनिवर्सरी थी बैटल ऑफ सारागढ़ी की, और इससे कई ज़्यादा लोग जो है इंस्पायर होते हैं, आर्मी और बुक्स और फिल्म्स, कई लोग जो है आज भी वॉर में जाते हैं तो बैटल ऑफ सारागढ़ी और उसमें सारागढ़ी और उसमें जो लोग थे उनकी मतलब गाथाएं गाई जाती हैं, उनको हीरो की तरह देखा जाता है। तो क्या है ये देख लेते हैं। देखिए अभी इसके जो संदर्भ है वो बाद में बताऊंगा, अभी क्या मेन चीज़ है कंपटीशन से संबंधित जो हमारे आ सकता है एग्ज़ाम में। देखिए बैटल ऑफ सारागढ़ी एक, जैसे आप लोगों को पता है जो आज का अफगानिस्तान है, ठीक, और पाकिस्तान, तो ये जो एरिया है बीच में, इसको ड्यूरेंट लाइन जो है वो करती है डिवाइड, इस एरिया का नाम है आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक। तब जब ब्रिटिशर्स थे उस समय भी जो है ये वाले एरिया के बियॉन्ड, ठीक, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के बियॉन्ड जो है कई सारे यहाँ पे पश्तून लोग थे, खैर जो भी था, तो इसमें अपना ब्रिटिशर्स अपना जो है पूरा जो भारत का जो साम्राज्य था इनका, उसको बचाने के लिए यहाँ पर जो है बाकियों से, अफगानिस्तान के पश्तूनों से, इन सबसे बचाने के लिए यहाँ पर अपने इन्होंने कुछ कुछ फौज लगा रखी थी, ठीक। तो उसी में दो फोर्ट थे, फोर्ट का नाम बाद में इन्होंने चेंज किया लॉकहार्ट, और दूसरा फोर्ट था फोर्ट गुलिस्तान। हालांकि ये फोर्ट बनवाए थे राणा रणजीत सिंह जी ने, ठीक है ना, सर जो आपके सरदार जो इनके सिख लीडर थे रणजीत सिंह, इनके बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग पीछे, उन्होंने बनवाए थे, बाद में नाम इन्होंने चेंज कर दिए थे, लेकिन बड़े स्ट्रेटजिकली रणनीतिक सामरिक महत्व से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पे करीबन 40-50 लोग रहते थे हमेशा और इसको गार्ड करते थे इन फोर्ट्स को, ठीक है। और जो भी लोग जैसे कई सारे जो अफरीदी और आपका जो है औरगज़ई ट्राइबल वाइबल से जो है इसको बचा के रखते थे, ठीक, नहीं तो क्या है कि इसको पूरे ब्रिटिश को और जो है धीरे धीरे ये लोग जो है इसको हत्याने के चक्कर में रहते थे। तो बैटल ऑफ सारागढ़ी में क्या हुआ कि वैसे ही बहुत कम लोग रहते थे, 36वीं जो सिख की एक तरीके से रेजिमेंट थी, अब इसका नाम चार सिख हो गया है, तो वहाँ पे 21 लोगों ने, अब देखो सुनो, 21 लोगों ने 8000 अफरीदी और औरगज़ई जो ट्राइबल थे वहाँ के उनके खिलाफ मोर्चा बांधा। इतने ज़्यादा लोग सिर्फ 21 लोगों के सामने हो, तो सोचो 21 लोग कितने जो है उससे लड़े थे, कितने जज्बे के साथ में, और 7 घंटे तक फोर्ट को होल्ड करके रखा, जिससे कि समय मिल गया जो है बाकी पीछे लोगों को, और फिर उन्होंने जो है इन लोगों से बचाव कर लिया। हालांकि देखो 21 लोग 8000 के सामने कुछ है नहीं, लेकिन दो चीज़ें होती हैं जब भी कठिनाई आए, तो दो चीज़ें होती हैं, या तो फाइट
और या फिर फ्लाइट। तो इन्होंने फ्लाइट नहीं पकड़ी, इन्होंने फाइट किया, और इसीलिए इनका जो है आज तक नाम लिया जाता है। और नाम ही अमर रहता है, इंसान जो है वो धूल में मिल जाता है, ध्यान रखना। तो ये इसलिए कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए, हमेशा काम करते रहो, बढ़िया का ऐसा काम करो कि लोग याद रखें। तो 36वीं जो इसमें एक हवलदार ईश्वर सिंह थे, उन्होंने आखिरी मतलब अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई के लिए 200 मतलब सभी लोगों ने 21 लोगों ने मिलकर 200 ट्राइबल और 600 को इंजर्ड कर दिया था, ठीक 200 ट्राइबल्स को मार भी दिया था इसमें। तो व्हाट वाज ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि ये दो फोर्ट जो थे, फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्ता, इन दोनों को जो है कम्युनिकेशन टावर थे, इससे पता चलता था जैसे अब जैसे ये अफगानिस्तान है मान लीजिए आज का, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, ठीक। तो ये कम्युनिकेशन टावर है, यहाँ पे बना हुआ है, फिर यहाँ बना हुआ है, फिर ऐसे बना हुआ, तो इस पे अगर हमला हुआ तो इसको पता चल जाएगा, इस पे हुआ तो इसको पता चल जाएगा, तो ये यहाँ से पीछे से जो है बैकअप आ सकता है। ये सब डिफेंस की जो है वो होती हैं स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये है, फिर इन दो फ्रंट फोर्ट को जो है आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में था, जो कि आज पाकिस्तान में है। इसका नाम ब्रिटिशर्स ने चेंज कर दिया था, महाराजा रणजीत सिंह ने इसका नाम रखा था। वहाँ पे प्लाटून जो रहती थी, प्लाटून वो 40 लोग की रहती थी, लेकिन इस तारीख को जब ये हो रहा था लड़ाई तब 21 ही लोग थे, ठीक। और इसमें एक देखो 2100 कॉम्बेटेंट थे और एक जो है नॉन कॉम्बेटेंट था, मतलब वो लड़ता नहीं था, वो कुछ काम वाम करता था, पश्तून था, जिसका नाम था दाद, ठीक है ना। तो ये वाला दाद नहीं है, तो इनका नाम था यहाँ पे पश्तून है। और सारागरी जो है ये दो इंपॉर्टेंट फोर्ट को बचाने के लिए इसमें लड़ा गया था। हवलदार ईश्वर सिंह जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब इसमें बहादुर से लड़ाई करी थी, जगराओं से थे और पंजाब फ्रंटियर प्रोविंस फोर्स इन्होंने ज्वाइन करी थी। और 1887 में ईश्वर सिंह जो है 37वीं सिख में आ गए थे, अपने अर्ली 40 मतलब 41-42 ऐसे रहे होंगे, तब ये इंडिपेंडेंट कमांड इनको सारागरी पोस्ट की मिल गई थी। इसके अलावा नायक गुरमुख सिंह जी भी थे और ये सारी चीज़ें हैं। मेन चीज़ वही है कि कहाँ पे स्थित था और किन से इनकी लड़ाई थी, फोर्ट के नाम क्या है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जिन्होंने किताब लिखी सारागरी के ऊपर, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है ना, अमरिंदर, इन्होंने हालांकि कहा था कि जितने 22 के 22 लोग लड़े थे ना, क्योंकि दाद को ही मिलाकर, तो 2200 को देना चाहिए था, मतलब रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी। हालांकि उस समय ब्रिटिशर्स ने सिर्फ 21 लोगों को, डेड सोल्जर्स को ही जो है इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था, जो कि विक्टोरिया क्रॉस वहाँ का जो वीरता पुरस्कार होता है उसके बराबर होता था, वहीं दिया था। दाद को नहीं उन्होंने दिया था, मतलब रिकॉग्निशन या फिर ये ऑर्डर ऑफ मेरिट, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट नहीं दी थी। साथ ही साथ जो विक्टोरिया क्रॉस जो दिया था, तो इसमें 50 एकड़ ज़मीन दी गई थी जो भी लोग मरे थे, और 500 रुपये हर किसी एक व्यक्ति को दिए गए थे, ठीक। और 2017 में पंजाब गवर्नमेंट ने जो है सारागढ़ी डे भी मनाना चालू किया है, एक हॉलीडे की तरीके से, सितंबर 12 को। और इवन टुडे आज भी पाकिस्तान आर्मी भी, खैबर स्काउट जो है वो भी सारागढ़ी की जो है गुणगान गाते हैं, उसको भी याद करते हैं। ब्रिटिश ने जो है जब याला फोर्ट पे लड़ाई हो रही थी तो उसके बाद फिर कंट्रोल कर लिया था, और इन्होंने भी जो है वहाँ पर एक स्मारक स्तंभ बना दिया है जली हुई ईंटों से, बर्न्ड ब्रिक से, उनकी याद में, सारागढ़ी की याद में, ठीक है ना। अभी अक्षय कुमार की एक आई थी ना वो केसरी शायद पिक्चर नाम था, वो इसी के ऊपर बनी हुई थी। और कमीशन कई सारे जो हमारे सीमली CGPC जो है, ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने भी एक हॉल बना रखा है सारागढ़ी के नाम पर, ठीक। और कई सारे कमीशन गुरुद्वारा जो अमृतसर पे है, फिरोजपुर में है, ये सब इनके ऑनर में बनाए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अपने हमें हीरोज़ को याद करना चाहिए, हमारे आदर्श हैं, और ये हमें हमेशा ये याद रखने को जो है हमेशा लड़ने के लिए शक्ति देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उम्मीद और जो है हौसला हमारा बनाए रखता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है US और इंडिया का स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है ना, रणनीतिक साफ स्वच्छ ऊर्जा की साझेदारी। अब देखो इससे कुछ ना कुछ तो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि भैया ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, रणनीतिक होना चाहिए, यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी भी होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला हम लोग ग्रीन एनर्जी करते रहे और फिर हमारे पास ऊर्जा ही नहीं है, तो वो सब भी स्ट्रेटजिक भी होनी चाहिए। इंडिया और US अगर मिलके काम कर रहा है तो वो भी एक जो कंट्री बाई कंट्री जो है एक इसका सामरिक महत्व है, ठीक। तो ये साझेदारी बीच में इंडिया और US की हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम जो है हमारे हरदीप सिंह पुरी जी और US की सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी जो हैं जेनिफर ग्रैनहोल्म, इन्होंने के बीच में जो है इन्होंने इंडिया और USA के बीच में स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी जो पार्टनरशिप चल रही है इसको फिर से रिवैम्प किया है।
ठीक, एक नए रूप में इसको जो है ढाला है फिर से, मतलब ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा जो है इसमें ऊर्जा के साथ में फिर से इस पर जो है पूरा फोकस कर रहे हैं। जैसे हम लोग का होता है ना, एग्जाम की डेट आते ही ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है कि अब तो बिल्कुल फोर्ट डालेंगे, वैसे ही वाली चीज़ है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इंडिया का 2030 तक जो अक्षय ऊर्जा है आपकी, रिन्यूएबल एनर्जी है, वो हम चाहते हैं कि हम 450 गीगावाट तक बना दें। तो इंडिया में है डिमांड, ठीक, और यूएस के पास में जो है लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और आपका जो है पीवी फोटोवोल्टेक्स है और ये सारी मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनके पास है। तो डिमांड हमारे पास है, सप्लाई इनके पास है, तो ये एक तरीके से स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी को भी दर्शाता है। ये मेन यहाँ पे मुद्दे हैं, और यहाँ पे एजेंडा जो है इंडिया, ये जो SCEP है हमारा, स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ये किसका हिस्सा है, जो इंडिया और यूएसए का क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा है 2030 का, पार्टनरशिप का, उसके अंतर्गत है ये आपका SCEP। समझ में आ गई बात, क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 किसके बीच में है, ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है, यूएस और इंडिया के बीच में, ठीक। और ये मोदी जी और बिडेन ने इसको चालू किया था, लीडर समिट जो क्लाइमेट पे हुई थी अप्रैल में इस साल, उसके दौरान भी किया गया था, ठीक। SCEP जो है स्ट्रेटजिक क्लाइमेट आपका एनर्जी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप जो है, इसके पांच पिलर है, ये पांचवा जो है नया जोड़ा गया है, ठीक। अभी पहले जो है चार थे, खैर पांचों पढ़ लेते हैं। पावर और एनर्जी की दक्षता अच्छे से होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल ऑयल और गैस होना चाहिए, ठीक, उत्तरदायी रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए, ठीक। अब देखो सस्टेनेबल ग्रोथ भी होनी चाहिए और इमर्जिंग फ्यूल भी होनी चाहिए। इमर्जिंग फ्यूल वही है भविष्य में उपयोगी ईंधन जो बन सकते हैं, तो इसमें फिर वही सारी बातें इन्होंने यहाँ पे करी है, हम पिलर पे काम करेंगे, हम कोऑपरेट करेंगे, हम सहयोग करेंगे, और विन विन सिचुएशन है, तुम्हारे पास डिमांड है, हमारे पास सप्लाई है, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो सारी बातें होती हैं, ठीक। और यहाँ पे देखो ये मैंने अलग से इसको इसलिए अंडरलाइन किया है क्योंकि ये एक नई चीज़ और एक हुई है, एक न्यू इंडिया यूएसए की टास्क फोर्स बनी है बायोफ्यूल पे, ठीक। अब बायोफ्यूल क्या होता है, इंडियन बायोफ्यूल की पॉलिसी भी पीछे आई थी, मैंने पिछली बार ये दिया भी था, अभी फिर से मैं दूंगा आप लोग को, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 2021 में आ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आया भी था, ठीक है ना। तो मेन चीज़ ये है कि बहुत ही ध्यान से पढ़िए, और जो मैं बताता जाया करूँ उसको निपटा जो लिया करो, नहीं तो क्वेश्चन में निपटेगा नहीं फिर एग्जाम में वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो दो साइड जो है इन्होंने फिफ्थ पिलर जो है अभी जोड़ा है, ये एक नया इन्होंने टास्क निकाला है बायोफ्यूल पर, ठीक, जिसमें कि कॉपरेशन रहेगा काफ़ी इन लोगों के बीच में, और रिन्यूएबल एनर्जी और यही सब जो बताया गया कि 450 गीगावाट, ये टारगेट भी याद रखना, इंडिया का जो रिन्यूएबल टारगेट है एनर्जी का वो 450 गीगावाट है 2030 तक, ठीक। और दोनों साइडें जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे इलेक्ट्रिक ग्रिड। अब देखो क्या होता है, मान लीजिए आपने ऊर्जा बना तो ली, ठीक, ऊर्जा बनाने के बाद मान लीजिए आपने तमिलनाडु से बनाई, अब भेजना है उसे दिल्ली, तो एक इलेक्ट्रिक ग्रिड होती है, ठीक है ना। ग्रिड के वाले जो तार वार देखे होंगे ना आपने, बड़े ऊंचे ऊंचे से रहते हैं, उसके थ्रू जो है वो एनर्जी पावर जो है आपकी ट्रांसफर करी जाती है, तो पूरी वो इंटीग्रेटेड ग्रिड है। अब उसमें रिन्यूएबल एनर्जी क्योंकि हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है स्कैटर्ड है अलग अलग जगहों पे, तो उसको भी जोड़ना है, स्मार्ट ग्रिड भी होना जरूरी है। स्मार्ट ग्रिड का मतलब ये होता है जब पीक डिमांड हो तो ज़्यादा वो एनर्जी उसमें पास होने लगे, जब कम हो तो फिर कम हो जाए, ठीक है ना। तो लॉस नहीं होना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें इसको एनर्जी ग्रिड के थ्रू जाती है इलेक्ट्रिक ग्रिड के थ्रू, तो आपका जो है लॉस भी होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो भी करना जरूरी, कम करना जरूरी। कई सारी रिपोर्ट में दिया गया करीब 25% तो हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है, चोरी हो जाती है, सब होता है। तो इलेक्ट्रिक ग्रिड बनाना है, स्मार्ट ग्रिड बनाना है, एनर्जी का स्टोरेज की बात है, एनर्जी स्टोरेज जैसे कई बार जो है बैटरी में जैसे एनर्जी हम लोग स्टोर ही तो करते हैं यार जो यूज़ करते हैं, तो उस तरीके के भी कुछ चीज़ें बनाने की बात करी जा रही है, ठीक। फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज होना चाहिए, एक ही पे हम डिपेंडेंट ना रहें, जैसे कोल है, मान लीजिए कोई कोल पे ही आप डिपेंडेंट हो घर पे, तो अगर वो कोल मान लो जो भीग गया तो है मतलब कुछ भी हो सकता ना, तो आपके पास और भी एनर्जी के सोर्सेज होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी बड़े लेवल पे भी देश के लेवल पे भी होती हैं, ठीक। इसके बाद जो इन्होंने एक दोनों साइड्स ने एक रिक्रेशन करी, मतलब नया नाम रखा है, गैस टास्क फोर्स का नाम रख दिया इंडिया यूएस लो एमिशन गैस टास्क फोर्स, ये नया रखा गया है, ठीक। तो ये एक एक्स्ट्रा इसमें हुआ, इंडिया के विजन जो है गैस बेस्ड इकोनॉमी मतलब बनाने की कोशिश करी जा रही है, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था जो चले वो गैस पे बने चले, मतलब जो भी ऊर्जा बनाते हैं हम लोग, ठीक। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर दोनों साइड्स ने इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश करी, यानी कि संस्थागत बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। साथ ही साथ 6 टास्क फोर्स जो है यहाँ पर नए दिए गए हैं, ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है,
जो कि बात करेगी एनर्जी डेटा मैनेजमेंट, डेटा जो आ रहा है कहाँ से कितना है, जैसे मैंने बताया कि लॉस हुआ तो कितना लॉस हो रहा है, ये सब डेटा ही तो है। लो कार्बन टेक्नोलॉजी और जस्ट ट्रांजिशन इन कोल सेक्टर, ये सब की बात हो रही है। बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट फेज, ठीक, जैसे पहला फेज जो था उसका नाम था पेस, ये याद रखना है। पेस अलग से यूपीएससी पूछ भी चुका है, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी। अब इसी का रिन्यूएबल मतलब नया जो है पुनर्जीवित टाइप से कर रहे हैं ज़्यादा इसको जो है बढ़िया से, तो ये सेकेंड फेज़ में है जिसमें इंडियन साइड जो है आपका दोस्त इंडिया की साइड से काम कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्मार्ट ग्रिड, ग्रिड स्टोरेज और ये सारे काम जो है सेकेंड फेज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। साथ ही साथ इंडिया यूएस ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की भी बात करी है, कोऑपरेशन की भी बात करी है, ठीक। बताइए, अच्छा न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूज़न, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कमेंट करके बताइए, ठीक। अगला देखिए टॉपिक हमारा ये है कि KYC vs, अब देखिए ये सिंपल सी चीज़ है, आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई पहले बताइए, अगर नहीं लगवाई तो जो लगवाई है, कल मैं पढ़ रहा था एक जगह उसमें लिख के आया था जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो 11 गुना ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है, मरने की स्थिति में है कोविड से, समझ में आ गया, तो प्लीज़ वैक्सीन जो लगवाइए। अब यहाँ पर KYC जो है, KYC फुल फॉर्म होता है नो योर क्लाइंट, ठीक, और VS जो है वैक्सीन स्टेटस है। तो यहाँ पर क्या है कि कई बार आप लोग जो है सर्टिफिकेट लेके घूमते रहते हो, आपको कहीं जाना है सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, कई सारे बच्चे जब अभी एग्ज़ाम देने गए थे तो उनको कोविड का जो है सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ रहा था। यहाँ पर इसी तरीके से जैसे आप आधार का यूज़ करते हो ना, आधार कार्ड का, कई जगह आपको सिम लेना होता है कहीं लेना, तो उसी तरीके से किसी, मान लीजिए आप रेलवेज़ में सफ़र करना चाह रहे हैं, अब एरोप्लेन में सफ़र करना चाह रहे हैं, तो बहुत जगह पे अब जो है वैक्सीन के सर्टिफिकेट की भी मांग होने लगी। तो अब यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया है, कोविन आईटी प्लेटफॉर्म पे ही एक KYC vs चालू कर दिया, नया अपडेट चालू कर दिया है। इसके थ्रू सिर्फ ये 3 जानकारी जाएगी कि वैक्सीन नहीं लगी है, आधी वैक्सीन जैसे 2 डोज है तो पार्शियली लगी है, ठीक, इसको 0 बोला जा रहा है, इसको 1 बोला जा रहा है, इसको 2 बोला जा रहा है, कि वैक्सीन फुली लगी हुई है, ठीक। तो ये स्टेटस पता चल जाएगा तो आप आसानी से आपका जो है रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस इसी को KYC vs वैक्सीनेशन स्टेटस बोला जा रहा है, जो अलग अलग जगहों पे आपको कार्य में आ सकता है, जैसे कि आधार का जो है उपयोग होता है। KYC vs एक नया एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है जो कि लॉन्च किया गया है कोविन प्लेटफॉर्म पे, ठीक, सिंपल सी ये चीज़ है, इसमें और कुछ भी नहीं है। वाई एज अ न्यू फीचर क्यों ऐड किया गया यार, बहुत जगह इसका यूज़ आ रहा है ना, तो इसलिए जो है किया गया। कई नियोक्ता जो है चाहते हैं भैया कि ऑफिस में काम करें यहाँ के लोग, तो उनके एम्प्लॉयज़ का क्या स्टेटस है वो भी इनको बता सकता है, इसके उपयोग कहाँ कहाँ पर है, जो एम्प्लॉयर जान सकता है, नियोक्ता अपने कर्मचारी का जान सकता है, पैसेंजर ट्रेन में जान सकता है, एयरलाइंस वाला जान सकता है, होटल में आपको बुकिंग करनी है तो उससे भी आप आसानी से जो है दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कई सारे जो होती है ना होटल की बुकिंग करने वाली वेबसाइट, उन पर जाके भी आप कर सकते हो उसको, आप अपना नंबर डालोगे, ठीक है, अरे मैं अपना नंबर लिखने वाला था, अपना नंबर डालने के बाद फिर आप जो है आपको एक OTP आएगा, OTP आप डालोगे फिर उनको जो है स्टेटस मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए 0, 1, 2 ये दो 3 चीज़ें दे रखी हैं, बस सिंपल से ये वाला टॉपिक यहाँ पर था। अगला टॉपिक है भैया कंटेनर की कमी हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, अभी क्या हुआ है, कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। गवर्नमेंट कई सारे, और इसमें एक रोचक तथ्य भी है वो भी बताऊंगा आपको, गवर्नमेंट ने अभी कई सारे एक्सपोर्टर्स से बात करी और उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है कि जो इंटरनेशनल कंटेनर शॉर्टेज हो गए। अब देखो अभी इसको चलो बताता हूँ, और उससे फ्रेट रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मान लीजिए पहले 1 रुपये देना पड़ता था तो अब 3 रुपये देना पड़ रहा है, पहले 1 लाख रुपये देना पड़ता था तो 3 लाख रुपये देना पड़ रहा है, 300% बढ़ गया है। और कई सारे जो है की शिपिंग रूट जैसे हो गए, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पे ये कंटेनर जहाँ पे ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, अब जब कंटेनर ही नहीं है तो जो है जो हैं भी वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो भैया इंपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट करते हो ये सब महंगा हो रहा है, ठीक। और कई बार तो ऐसा हो रहा है कि हो ही नहीं पा रहा, और हो रहा है तो बहुत डिले हो रहा है, ठीक। तो इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर है, पहले अच्छा इसको आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल की बस है, कई एक स्कूल है, स्कूल की बसें हैं कई सारी जो बच्चों को जा जाकर लेके आती है। अब क्या हुआ कि स्कूल की बसें जो हैं वो आ नहीं रही, बहुत पहले वाली 100 चल रही थी तो आसानी से काम चल रहा था, अब खाली हो गई हैं 20। तो क्या हो रहा है, बच्चों को लाना ले जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अब हर कोई तो कार से नहीं जा सकता, और जो बसें आ भी रही हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही हैं, ठीक।
तो यही चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल कंटेनर की शॉर्टेज हो गई है, पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कई बार तो जो है डिले जो है 2 से 3 महीने का हो गया है। इसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। जैसे कि ये पोर्ट है तो यहाँ पे गए, मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने इंपोर्ट करना था, इंपोर्ट किया, यहाँ से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करनी थी, एक्सपोर्ट वाले सामान भरा और फिर वापस चल दिए, ऐसे तो होता है ठीक। तो ये टर्न अराउंड टाइम मान लीजिए पहले 20 दिन का था, तो अब 3-3 महीने लग रहे हैं। और एक और तथ्य जो रोचक है बता देता हूँ, कई लोग जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, पैसे धन्ना सेठ हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कोई माल वाल कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एम्प्टी कंटेनर ही ले आओ, पैसा हम देंगे। समझ में आ रही बात? तो मतलब इतने ज़्यादा उनकी पॉकेट्स डीप हैं कि जैसे हम लोग को जरूरत है, हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अब वो जो को मान लीजिए ABC कोई बैठा हुआ है जो ये कंटेनर वाला बंदा, उसने हमने उससे पूछा, हमको नहीं करने दे रहा है वो, लेकिन दूसरे वाले ने बोला कि पूछा, जैसे मान लीजिए USA वाला कोई आ गया ठीक, उसने कहा कि भैया अच्छा आ जाओ हमारे USA, आ जाओ इंडिया से, तो उसने कहा भैया हमारे पास तो कुछ है ही नहीं एक्सपोर्ट करने का, तो कहता कोई बात नहीं तुम आ जाओ हम तुम्हें दे देंगे। वो कह रहा है कि अरे हमको यहाँ से जो है ये 100 रुपये दे रहे हैं, मान लीजिए मैं 100 रुपये दे रहा था कुछ काम कहीं यहीं पर रहने के लिए, तो USA ने कहा अरे यार क्यों परेशान हो, 1000 रुपये देंगे। तो ये चीज़ भी हो रही है। तो कंटेनर कुछ शॉर्टेज ऑलरेडी है कोविड की वजह से, और कुछ चीज़ें जो है आर्टिफिशियली भी बन रही हैं, लोग जो अपने ज़्यादा अच्छे लेवल पे हैं पैसे के मामले में वो भी इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यही सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। और गवर्नमेंट से जो है आपका जो इंडिया की कई सारी संस्थाएँ हैं, इंटरनेशनल संस्थाएँ हैं, वो आपका ट्रेड चलता रहे अच्छे से, गवर्नमेंट से कह रही है कि हेल्प कुछ करिए, कुछ रेगुलेशन बनाइए, बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताएंगी। पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आपके कंटेनर्स के ठीक। सस्टेन्ड इकोनॉमिक रिकवरी करनी है तो ट्रेड तो भैया बढ़ाना पड़ेगा, कई जगह तो 500% तक बढ़ गए हैं पैसे पिछले सितंबर के मुकाबले, अगर एक साल में देखें तो। इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कत हो रही है, डिले विले हो रहा है, 2 से 3 महीने का डिले हो रहा है। स्मॉल एक्सपोर्टर सबसे ज़्यादा पिसता है भाई, हर जगह गरीब पिसता है, सीधी सी बात है। और इसलिए तो मेरे हिसाब से जानते हो क्या, पॉवर्टी सबसे बड़ी डिजीज़ है जिस पे कोई काम ही नहीं कर रहा है ठीक, जिस पे कोई काम ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो काम करेंगे पॉवर्टीज बाहर आ जाएंगे, वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का जवाब जो है देने में सबको बड़ी दिक्कत होती है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जवाब देते ही नहीं है ठीक है ना। तो मुझ गरीब को भी जो है थोड़ी तवज्जो दीजिए, और जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसको कमेंट करिए, फ़ायदेमंद है आपके लिए भी ठीक है। तो ये चीज़ें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो होता है इसमें काफ़ी दिक्कत हो रही, टर्न अराउंड टाइम जो मैंने बताया वो काफ़ी दिक्कत हो रही, एम्प्टी कंटेनर मैंने बता दिया, कई सारे बड़े बड़े जो धन्ना सेठ देश हैं वो सब बुला ले रहे हैं, कह रहे आ जाओ यार कोई दिक्कत नहीं, हम एम्प्टी ले आओ। ये सारी चीज़ें फर्स्ट सर्व बेसिस पे होना चाहिए काम, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ने पैसे ज़्यादा दे दिए तो आप उसके बाद चले गए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होना चाहिए ठीक। तो ये देखो अब इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, जैसे ये एम्प्टी कंटेनर वाला आया तो आपसे मान लीजिए GS Paper 4 में एथिक्स वाला पेपर जो है, अगर आप ये वाला इसको कहीं पे भी कि नैतिकता के अनुरूप काम नहीं हो रहा है या फिर इस तरीके से, तो इसको आप लिख सकते हो वहाँ पे एग्जांपल, और इसी के आपको नंबर मिलेंगे GS Paper 4 में। ध्यान रखना एथिक्स वाले पेपर में आपको नंबर मिलेंगे प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल देने पे, और रिसेंट वाले दोगे तो बहुत ही बढ़िया ठीक है। ये है देखिए अगला है हमारा क्रिप्टो करेंसी। अभी क्या है कि RBI के जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इन्होंने फिर से बोला है कि जो हमें काफ़ी सीरियस और मेजर चिंताएं हैं क्रिप्टो करेंसी पर, जैसे कि बिटकॉइन ठीक। और ये जो है हमने गवर्नमेंट को बता भी दिया है, RBI ने ये चीज़ बताई कि क्रिप्टो करेंसी से हमें दिक्कत है, जो क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या है जैसे बिटकॉइन है, ये किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेटेड विनियमित नहीं है। इसका ट्रांजैक्शन कहाँ होता है, कैसे कौन करता है, जो एनोनिमिटी पूरी होती, तो इसका कई बार ये भी देखा गया है, बोला जाता है कि टेररिज्म में लोग जो है इसी के थ्रू आर्म्स खरीद रहे हैं, ड्रग्स खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रहे हैं। साथ ही साथ बिटकॉइन जो है उसका क्या आधार है, आज मान लीजिए इसमें लाखों करोड़ रुपये का है, कल ये 0 हो जाए तो आप क्या कर लोगे, तो हम इसको कैसे जो है हाँ कर दें। तो इन सब चीज़ों पे RBI गवर्नर ने मना किया है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसको मैं कई बार आप लोग बता भी चुका हूँ, आज फिर से बताऊंगा, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसका हम लोग उपयोग करेंगे अपने, और हम लोग खुद अपना एक डिजिटल करेंसी लेके आएंगे। मैंने आप लोग को पीछे पढ़ाया भी था, बताया भी था कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस होता है ठीक, ये माइन्यूट डिफरेंस है लेकिन यहीं पूछेगा UPSC, और वो अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है। कई बार ऐसे टॉपिक होते हैं, तो अगर मान लीजिए आपने नहीं भी ज्वाइन कर रखा हमारा पेड ग्रुप, तो आपको एक जो है इंडेक्सिंग करने की तकनीक आनी चाहिए। इंडेक्सिंग क्या होता है कि फला दिन पे फला टॉपिक जो है मुझे रिवाइज करना है एग्ज़ाम से पहले, ये सब कर सकते हो यार,
कोई स्कूल में थोड़ी ना हो, स्कूल के बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत ही बेहतरीन ये वो था टॉपिक, तो आपको लिखना चाहिए था फला तारीख का ये वाला वीडियो मुझे देखना है एग्जाम से पहले, ताकि इससे मुझे और समझ में आ जाए। कर सकते हैं आप बिल्कुल, अगर करने की चाह है, जहाँ चाह वहाँ रहा वाली बात है। ठीक, तो ये डिजिटल करेंसी वो कह रहे हैं कि हम अपनी RBI खुद की निकालेंगे, और उसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी। उस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी वो भी अभी बताता हूँ आपको। ठीक, ये है। और शक्तिकांत दास जी ने बोला है कि अभी अगर इसको हमें आगे बढ़ाना है तो हमें काफ़ी जो है विश्वसनीय स्पष्टीकरण उत्तर चाहते हैं। इंडियन इकोनॉमी में और भी मतलब इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट जो है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन हो गए, ये अनरेगुलेटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा हाईली वोलेटाइल है, प्राइस कभी ऐसे जाता है कभी ऐसे जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है एसेट की तरीके से, जो कि वैसे हालांकि जैसे गोल्ड का कोई कॉइन होता है, ठीक, गोल्ड डिजिटल गोल्ड होता है, हालांकि अभी सेबी ने डिजिटल गोल्ड पे भी वो लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया, तो वहाँ पे भी कोई जो भौतिक रूप से जो गोल्ड है मौजूद, कुछ तो होता है यार उसके पीछे। यहाँ पर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के जो है दाम लगाए जा रहे हैं, कोई कह रहा है 1 लाख, कोई कह रहा है 10 रुपये, इस तरीके चल रहा है। और इसको इतना आसान नहीं है, बिटकॉइन को जो है कई एल्गोरिथम के द्वारा वो करना पड़ता, बहुत हाई कंप्यूटर कैपेसिटी चाहिए होती है, जो कि हर किसी के पास है भी नहीं। तो इसमें एक इनइक्वालिटी वाला जो है वो भी है, एक पहलू भी है। तो 2020 में जो है आपका मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि अलाउ करना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि क्रिप्टो करेंसी वाली जो भी चीज़ें हैं वो RBI के द्वारा अलाउ करनी चाहिए। RBI ने एक सर्कुलर निकाला था 2018 में, जिसने उन्होंने कहा था कि हम प्रोहिबिट कर रहे हैं कि नहीं, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक, बिटकॉइन जो इस टाइप के क्रिप्टो करेंसी। जो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, डिजिटल वर्चुअल करेंसी होती है, इसको काउंटरफिट करना मुश्किल होता है, मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल होता है। काउंटरफिट मतलब नकली उसकी वो बना लेना, और डबल स्पेंड नहीं कर सकते उसको। और कई सारी क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है, कई सारी मैंने लिखी है, हर करेंसी डिसेंट्रलाइज नहीं है, विकेंद्रीकृत है। जैसे कि भारत का जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, वो विकेंद्रीकृत है, एक केंद्र है और फिर उसके नीचे कई सारे राज्य हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है। और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उस पर काम करता है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। ये डिफाइनिंग फीचर जो क्रिप्टो करेंसी का वो है कि ये सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा नहीं इशू किया जाता है, और ये गवर्नमेंट से इम्यून होता है, कौन खर्चा कर रहा है, कितना ले रहा है, गवर्नमेंट की भाई इसमें कुछ चल नहीं रही है, इसीलिए उनकी जल रही है, तो ये वाली बात है। और इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखो क्या है, किसी ने मान लीजिए मैंने ये कहा, ट्रांजेक्शन चालू किया कि मुझे फला फला कोलगेट पेस्ट खरीदना है, ठीक, बिटकॉइन में पैसा दूंगा, बताओ लोगे? तो उन्होंने कहा, कई लोग बैठे हुए हैं नोट्स पे, नोट्स इनको बोला जाता है, कई सारे कंप्यूटर लोग बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि हाँ चलो हम इसको वेरीफाई कर देते हैं, ठीक। तो इसको पीयर टू पीयर नेटवर्क पे दिया जाता है, और फिर कंप्यूटर जो नोट्स बोले जाते हैं उनको जो फिर वो वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट कर देंगे, हाँ कहेंगे हाँ ठीक है यार, ये कोलगेट दे रहा है, ये कर रहा है, ठीक है, पैसे बिटकॉइन में ही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो वेरीफाई करने के बाद ये ट्रांजेक्शन जो है उठाकर, जब ये डब्बा मान लीजिए इस ट्रांजेक्शन का जो था, इसको एक डब्बा मान लो आप, उस डब्बे को उन्होंने एक डब्बे की एक चेन बनी हुई है जिसको ब्लॉक चेन बोला जाता है, वहाँ लगा देते हैं। अब ये डब्बा जब इसमें ये भी होगा, एड्रेस भी होगा, कब आया, इसमें क्या क्या वैलिडेट करके दिया गया है, इसको में कोई चेंज नहीं हो पाता है, इसीलिए जो है काफ़ी फुल प्रूफ है, और ट्रांजेक्शन उसके बाद जो है ये फिनिश हो जाता है। सिंपल सी इतनी चीज़ है, ज़्यादा इसमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी सिस्टम है जो कि ऑनलाइन पेमेंट ये सब करता है, वर्चुअल टोकन इसमें यूज़ किए जाते हैं, और जो है लेजर एंट्री जो मैंने आपको बताया ना, डब्बा चेन, तो ऐसे याद रखो ना, आसान भाषा करो या क्यों उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। ब्लॉक चेन में जो है इसमें पूरी ये चेन बन जाती है, और फिर ये कभी चेन नहीं होता, ये नहीं कि ये डब्बा उठ के यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ चला गया, जो इसमें बन गया वैलिडेट होके वो वैसे ही रहेगा हमेशा के लिए, ठीक। फर्स्ट ब्लॉक चेन जो बेस्ड क्रिप्टो करेंसी आई थी उसका नाम बिटकॉइन था, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। देखो अब यहाँ पे इस वाले टॉपिक को डालने का बहुत बड़ा उद्देश्य मेरा ये है कि क्वेश्चन वो यहाँ पे बता सकता है कि बताओ इनमें से कौन कौन सा जो है क्रिप्टो करेंसी है, ठीक, और या फिर कौन कौन सा इसमें से कौन सा क्रिप्टो करेंसी नहीं है। तो कुछ क्रिप्टो करेंसी के नाम याद कर लेते हैं, ठीक, जैसे कि बिटकॉइन सबको पता है, एथेरियम सबको पता है, ठीक, बाइनेंस कॉइन नहीं पता होगा, रिपल पता है, कार्डानो पता नहीं होगा इतना, टीथर, डॉज कॉइन सबको पता है, USD कॉइन, ठीक, पोलका डॉट, यूनिस्वैप, याद कर लो यार नाम, ठीक, एक बार 5-6 बार पढ़ो, याद रटना नहीं है, ठीक है ना, एक 5-6 बार इसको पढ़ोगे तो वहाँ पे आप सेग्रीगेट कर ले जाओगे, ठीक, मतलब आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा है कौन सा नहीं है। देखिए एक SC गर्ग के द्वारा के अंतर्गत जो है एक कमेटी बनाई गई थी, उसकी सिफारिशें, ठीक, कमेटी किसके है, SC गर्ग, सुभाष चंद्र गर्ग ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ये कमेटी बनाई गई, ध्यान रखिएगा, SC गर्ग, ठीक,
तो आप ऐसे याद कर सकते हो शुभान चंद्र जो है, या फिर क्रिप्टो करेंसी गर्ग जो है, तो ये मतलब ऐसे याद कर लो, सुभाष चंद्र गर्ग ये कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बेड़ा गर्क कर देगा अगर उसको यूज़ करेंगे। तो इन्होंने बैनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया था, क्रिप्टो करेंसी को बैन करो रेगुलेशन, और जो है निकाला था डिजिटल करेंसी बिल। डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी अलग है, डिजिटल करेंसी उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट अपनी निकाले, ठीक है ना। 2019 में ये अलग आया था इनकी रिकमेंडेशन, इन्होंने कहा था बैन करो, वो बैन एनीबडी, उन सबको बैन कर दो जो कोई क्रिप्टो करेंसी को किसी फॉर्म में माइन कर रहा है, ट्रांजैक्ट कर रहा है, हटाओ। 10 साल की जेल कर दो, मॉनेटरी पेनल्टी निकाल दो, जितना उनको गेन हो रहा है या फिर लॉस हुआ है भारत देश को, मतलब सरकार को, उसका 3 गुना पैसा उनसे वसूलो। पैनल ने हालांकि ये कहा था कि हमें ओपन माइंड रखना चाहिए, पोटेंशियल जो इश्यूएंस है क्रिप्टो करेंसी का आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर डालती है कोई डिजिटल करेंसी टाइप उसके लिए तो ठीक है, बाकी सब बैन करो। तो एससी गर्ग कमेटी ने बेड़ा गर्ग कर सकता है क्रिप्टो करेंसी, ये बात बोली थी, ठीक। तो ऐसे करके याद कर सकते हो ताकि याद रहे कि एससी गर्ग कमेटी जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो किससे संबंधित हैं, ठीक। तो ये वाली कमेटी किससे संबंधित है, तो इसी के साथ में हम लोग आगे अपने फेवरेट सेक्शन पर जिसका नाम है कॉमन एग ISPCS। देखिए इसमें प्रीलिम्स से क्वेश्चन कौन कौन से कैसे कैसे करने चाहिए हमें वो हम ध्यान देते हैं। थामीरा बरानी जो है एक रिवर है, उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। थामीरा बरानी जो है पोरोनाई एक रिवर है जो कि ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से, और अगस्त्यार कुंदम पीक जो पोथिगई हिल्स का है वहाँ से ये वेस्टर्न घाट से निकलती है, ठीक। तो ध्यान रखना ये वाली चीज़ें, क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताइए। ये शॉर्टेस्ट रिवर है आपके मध्य प्रदेश में, क्या ये सही है कि गलत है। और ये फ्लू मतलब बहती है आपकी तिरुनवेली और तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट से, और ये जाके जो है कोरकई जो तिरुनवेली डिस्ट्रिक्ट है एमटी होती है वहाँ पे, मतलब ख़त्म हो जाती है इनटू द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक। सबसे छोटी रिवर ये आपकी तमिलनाडु की है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसलिए आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक। अभी क्या हुआ है कि ये तमिलनाडु की शॉर्टेज, थामीरा बरानी सिविलाइजेशन एक तमिलनाडु का था 3200 साल पुराना, वहाँ पे कार्बन डेटिंग से निकाला गया, ये सारी चीज़ें मटेरियल निकले हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन निकले हैं सिवा कलाई तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। तो इस तरीके की देखिए कई सारे जो है वहाँ के पुरानी चीज़ें भी वहाँ पे निकली हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो ज्योग्राफिकल एंगल यहाँ पे था वो भी ज़रूर याद करिएगा, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो है ATL स्पेस चैलेंज, ठीक। ATL स्पेस चैलेंज, तो ATL क्या है, अटल टिंकरिंग लैब, जो कि अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत होता है। तो अभी रिसेंटली पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रू पूछा गया है, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन जो है उसने सहयोग की लिया है इसरो का और CBSE का, ठीक। क्योंकि ज़्यादातर इसमें अटल टिंकरिंग लैब हम लोग कर चुके हैं कई बार, बच्चों का जो है इसमें वो रहता है, तो उसमें एक लॉन्च किया है अटल स्पेस चैलेंज 2021। अब इसरो की बात आ रही है, स्पेस अंतरिक्ष की बात आ रही है, स्कूल की बात आ रही है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन की बात आ रही है जिसके अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक। इसमें स्टूडेंट जो है 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की बात हो रही है, तो क्या सही है क्या ये, अब यहाँ पे आपको अगर ये फैक्ट नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ उनको एनेबल करोगे कि भैया वो डिजिटल स्पेस जो एज है हमारी आजकल, इन्फॉर्मेशन हर जगह हर चीज़ आप इंटरनेट में मिल जाती है, तो जो स्पेस की टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स हैं हम उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नवीन इसमें कुछ जो है वो क्रिएटिव जो है आइडियाज़ आ सकते हैं। और स्टूडेंट जो है आपके चाहे ATL से हो, ठीक, अटल टिंकरिंग लैब, या फिर नॉन ATL स्कूल भी हो, जहाँ पे ऐसे स्कूल जहाँ पे ATL नहीं भी है, वो दोनों ही यहाँ सबमिट कर सकते हैं इस पे चैलेंज। क्या ये सही है स्टेटमेंट बताइए। स्कूल टीचर, इस ATL इंचार्ज, मेंटर, ये सब भी स्टूडेंट टीम को मदद कर सकते हैं, तो क्या ये दोनों चीज़ सही है? बिल्कुल सही है, और इसीलिए वाला स्टेटमेंट दिया गया, इसमें सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज़, 4 से 10 अक्टूबर जो है वर्ल्ड स्पेस वीक होता है, ठीक। UPSC और UPPCS इन सब में ये पूछा सकता है कि डे तो पूछता रहता है, वीक भी कभी कभार पूछता है, स्टेट पीसीएस में तो पूछता ही है कि वर्ल्ड स्पेस वीक कब होता है, तो 4 से 10 अक्टूबर 2021 में होगा, जिसमें स्पेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है ये सब देखा जाएगा। इंडिया ने इसको क्यों लाया है भैया, ये क्यों कर रहा है अटल ATL स्पेस चैलेंज, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें गवर्नमेंट इंडिया की जो रैंकिंग है इतनी अच्छी नहीं है सूचकांक में, तो उस सूचकांक में इनोवेशन इनोवेटिव आइडिया स्पेस में हम अच्छा करेंगे तो हमारी इसमें सूचकांक में रैंक भी अच्छी होगी, ओवरऑल भी हमें फ़ायदा होगा अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ठीक, उसके चैलेंजेस को पार करने में। तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है एक अलग से एक वैल्यू एडेड पॉइंट है,
ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा। तो इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन तोड़िए और ज्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करा के। यूपीएससी 2021 हमारा जो है चल रहा है पेड ग्रुप, आप लोग ज्यादा जानकारी के लिए 8564008050 9696086089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।